Today with us, we have Arushi Mishra, a 2020 batch Indian Forest Services officer who is currently serving as the District Forest Officer of the Unnao and Chambal districts of Uttar Pradesh. People say that I exaggerate, but it is reality. I was studying 18 hours a day because it was a situation where I needed to prove something that, okay, I'll write something and someday I'll get selected. What people do is they do not write test papers. Ya agar test paper likh bhi dete hain, to uske solution nahi padte. और अगर टेस्ट पेपर लिख देते हैं कभी ये नहीं देखते कि पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड वो कैसे लिख रहे हैं. वी थिंक व्हाट वी आर लर्निंग वी आर राइटिंग एंड वी जस्ट राइट एंड पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है. देन वी हैव हॉर्स ट्रेनिंग, वहाँ पे इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग होती है. मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स यू विल फाइंड इन द कंट्री आर वेरी गुड हॉर्स राइडर्स. उसका रीज़न बस यही होता है कि दे आर ट्रेन फॉर 21 डेज. पर्सनली आई नेवर लाइक्ड इट, but I am good at it now. One aspect is jungle survival. That is a separate kind of training where you are left in the jungle for 7 days. And though certainly it is guided, but it is you are left there. रात में कुछ ना कुछ हो गया होगा, उसका क्राइम रिपोर्टिंग हुए, उसके केसेस कटे होंगे, उसके कंपाउंडिंग, पूरे ऑफिस में बस यही चल रहा होता है. किसी ना किसी को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी होती है, तो ये सब सॉल्व करते टाइम लग जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रीडोमिनेंटली द एरियाज जहाँ पे लोग भी रह रहे होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी रह रही होती है. फॉर एग्जाम्पल द चंबल सेंचुरी ऑफ यूपी, द मोमेंट दे स्टेप देयर फुट डाउन दे नो अ ह्यूमन इज देयर. दे गेट वेरी एक्टिव, दे रिस्क देयर ओन लाइफ एंड एक्सीडेंटली नॉट नोइंगली डिस्पाइट इट इज बींग रिटन एवरीवेयर दे टेक समथिंग कि ये उठा लेते हैं वो उठा लेते हैं, कोई हॉर्न दिख जाएगा वो उठा लेते हैं उनका, क्योंकि हम लाइवलीहुड एक तरीके से छीन रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग देम टू कलेक्ट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यू आर नॉट अलाउिंग देम टू टेक थिंग्स आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज इट इज़ एज पर द लॉ, बट इट वॉज देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. सो वॉट वी डू इज दैट वी ट्रेन देम. एक हाइना स्पीशीज है वहाँ पर, हाइना इज वन स्पीशीज दैट इज अबंडेंट इन चंबल. चंबल इज स्प्रॉलिंग विद वाइल्ड लाइफ. मेजोरिटी ऑफ द रीजन, क्योंकि वो जो एक टाइम था जिसमें वो डाकू वाला फेज था चंबल का, जब हम सुनते हैं चंबल के डाकू एंड एवरीथिंग, नाउ दैट फेज हैज़ गॉन. बट वो जगह इतने टाइम से अकेली खाली रह गई कि वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को, आपको हर तरह की वाइल्ड लाइफ अगर आप रात में जाते हैं सब कुछ दिखता है वहाँ पर अभी भी. डू वॉच आउट फॉर दिस एपिसोड ऑफ सुशासन.